सोलन एबीवीपी इकाई ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि एबीवीपी सारे हिमाचल के कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव करवाने पर आमदा है और इसलिए वे काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार उनकी इन मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से एबीवीपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा जा रहा है। सोलन एबीपीपी इकाई ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि एबीवीपी सारे हिमाचल के कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव करवाने पर आमदा है, इसलिए वे काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से एबीवीपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा जा रहा है। एबीवीपी सोलन इकाई के अध्यक्ष शुभम ठाकुर और छात्रा प्रमुख वैष्णवी जम्बाल ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने चुनावों के समय एबीवीपी कार्यकर्ताओं से वायदा किया था कि वे सत्ता में आते ही छात्र संघ चुनावों को हरी झंडी देंगे, लेकिन भाजपा सरकार को बने 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनके घोषणा पत्र में भी एबीवीपी की इस मांग का जिक्र था, लेकिन वे अब अपने वायदे भूल चुके हैं, इसलिए वे 7 तारीख को राज्य स्तर पर सभी कॉलेज बंद रखेंगे और किसी भी तरह की पढ़ाई नहीं होने देंगे। शुभम राठौर, सोलन महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो स्टेट कॉल थी, ये 23 अगस्त से हमारी जो स्टेट कॉल है प्रदेश के अंदर चल रही है। विद्यार्थी परिषद ने भूख हड़ताल करी, धरने करे, रोज विद्यार्थी परिषद के लोग प्रदेश सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, चुनाव है, इसको बहाल कर दो। प्रदेश के अंदर जब सरकार आनी थी तो इसके सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जो विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक अधिकार राष्ट्रीय चुनाव है, इसको हम बहाल करेंगे। 2 साल हो चुके हैं सरकार को, सरकार जो हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है, इसका हनन कर रहा है। विद्यार्थी परिषद ने जब धरने किए, प्रोटेस्ट किए, तो जो प्रदेश सरकार है वो इसको जो आनाकानी कर रहा है कि हम भाई जो ये छात्र संघ चुनाव है, इसको बहाल नहीं करेंगे। और 2 दिन पहले की नोटिफिकेशन आती है प्रदेश सरकार ने, जो हमारा राष्ट्रीय चुनाव है, जो विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक अधिकार है, इसका हनन करते हुए, एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए प्रदेश के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय चुनाव है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को बिल्कुल बंद कर दिया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज सोलन इकाई ने, जो सोलन इकाई के कर्मठ कार्यकर्ता है, उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर इस सोलन महाविद्यालय के अंदर रैली निकाली है और ऐसा आक्रोश निकाला है कि, और इसमें हमने प्रदेश सरकार के खिलाफ बोला है कि हम लाठी गोली खाएंगे, फिर भी आगे आएंगे। आने वाले समय में जो मैंने कहा कि हमारी स्टेट कॉल चली है 23 तारीख से, तो 7 तारीख तक है, 7 तारीख को विद्यार्थी परिषद, ये जो कॉलेज गेट बंद है, ये कॉलेज शिक्षा बंद रहेंगे उस दिन प्रदेश सरकार को हम चेतावनी देंगे, हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी कॉलेज नहीं लगेगा उस दिन। वैष्णवी जम्बाल, सोलन इकाई छात्रा प्रमुख। आज एबीवीपी सोलन इकाई ने पूरे महाविद्यालय में रैली निकाली। हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। पिछली 13 तारीख से हम अपनी मांगे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है। हमारी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांगे SC चुनाव बहाल करने, जब सरकार चुनाव के दौर में सरकार ने वादे किए थे कि वो SC चुनाव बहाल करवाएगी, जो छात्रों का अधिकार है, मूल अधिकार है, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर नोटिफिकेशन आते भी हैं तो इसे ऐसा कहा जाता है कि जल्द बहाल होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, तो सरकार को एबीवीपी का आक्रोश देखने को मिलेगा। 7 तारीख को एबीवीपी सोलन इकाई इस महाविद्यालय को बंद करेगी, और अगर पूरा दिन महाविद्यालय हम बंद करेंगे, जिससे सरकार तक हमारी मांगे पहुंच सके। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला, सोचे पे काई मिलते हैं ब्रेक के बाद।